ICAI का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे सीए आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग में। कौन से स्टूडेंट को 3 साल तक आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, कौन से स्टूडेंट को 2 साल तक आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, न्यू कोर्स आर्टिकलशिप में क्या क्या चेंज होने वाला है, ये भी इसी वीडियो में बताएंगे। मैं पहले आप लोगों को बोल देता हूँ वीडियो का प्रेजेंटेशन थोड़ा सही नहीं होगा, बट ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप सारे स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरे पास ऐसा डाउट आता है सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करने से पहले या सीए फाउंडेशन में जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है कि आर्टिकलशिप 2 साल का होगा या 3 साल का होगा। जिन भी स्टूडेंट्स का ये सारा डाउट है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए, आप सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको सीए रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट मिस ना हो पाए। अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं आर्टिकलशिप के बारे में। देखो, अब आपके स्क्रीन पे करंट स्कीम लिखा हुआ शो कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी जो करंट कोर्स चल रहा है इसके बारे में लिखा हुआ है, इसके साइड में लिखा हुआ प्रपोज्ड स्कीम जो कि न्यू कोर्स आने वाला इसके बारे में अपडेट किया गया है। अब ध्यान से बातें कुछ सुन लेना। जो लोग फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करते हैं वो भी पूछते क्या उनको 2 साल का आर्टिकलशिप होगा, जो लोग इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करते वो भी पूछते 2 साल का आर्टिकलशिप होगा या 3 साल का आर्टिकलशिप होगा। ध्यान से आप लोग बातें को सुन लेना। कोर्स रजिस्ट्रेशन का बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि न्यू कोर्स आने से पहले करेंट कोर्स में जो भी स्टूडेंट अभी तक जो आज के डेट में रजिस्ट्रेशन करे या पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं या जब तक न्यू कोर्स नहीं आया तब तक वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो उन स्टूडेंट्स को 3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। और जो भी स्टूडेंट्स 3 साल का आर्टिकलशिप करेंगे तो उनको सीओपी के लिए 1 साल सीए के अंदर काम नहीं करना पड़ेगा। अब से ये डाउट आएगा ही नहीं कौन से स्टूडेंट को 3 साल का आर्टिकलशिप करना है, कौन से स्टूडेंट को 2 साल का आर्टिकलशिप करना है। अभी जो डायरेक्ट एंट्री का स्टूडेंट है करंट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको एग्जाम देने से पहले 9 मंथ का आर्टिकलशिप करना कंपलसरी है, तो वो लोग जब आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर देंगे उनको 3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। करेंट कोर्स जो कि अभी चला जिसमें 3 साल का आर्टिकलशिप करना 195 डेज और न्यू कोर्स जो कि प्रपोज्ड स्कीम में जब न्यू कोर्स आ जाएगा इसके बाद स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे आर्टिकलशिप के लिए तो 2 साल का करना पड़ेगा, टोटल 730 डेज। करेंट स्कीम जो कि अभी चल रहा है लीव्स परमिटेड है 156 डेज, न्यू कोर्स में 24 लीव्स है जो कि पर ईयर 12 पर ईयर लीव्स। नंबर ऑफ संडे का बात किया जाए तो 3 साल में 156 संडे मिलेगा और 2 साल में 104। गैजेटेड हॉलीडेज का बात किया जाए तो अप्रोक्स 15 इन ए ईयर, तो करेंट कोर्स जो कि अभी चल रहा है 45 हॉलीडेज, न्यू कोर्स में 30 हॉलीडेज। पेड लीव्स फॉर एडवांस IT एंड MCS में 30 डेज, करेंट कोर्स में न्यू कोर्स में एक भी दिन नहीं। इफेक्टिव ट्रेनिंग का बात किया जाए तो करेंट स्कीम में 708 डेज करना पड़ता है और न्यू कोर्स जब आ जाएगा उसमें 572 डेज। दोनों का डिफरेंसेस का बात किया जाए तो 136 डेज का डिफरेंसेस है। कुछ सीए स्टूडेंट्स को विश्वास नहीं होता क्या 2 साल का आर्टिकलशिप होने वाला। जी हाँ, न्यू कोर्स जब आ जाएगा तो 2 साल का आर्टिकलशिप होगा। यहाँ पे आपके कोर्स रजिस्ट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे यह है कि जिस दिन न्यू कोर्स आ जाएगा इसके बाद आप आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करोगे तो उनको 2 साल का आर्टिकलशिप, लेकिन जब तक न्यू कोर्स नहीं आता है तब तक आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे आर्टिकलशिप में तो 3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। और हाँ, जब तक न्यू कोर्स नहीं आता अगर किसी स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करके आर्टिकलशिप करना तो प्लीज आप आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दीजिए, इसके कारण आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। एक और बात, जब न्यू कोर्स आ जाएगा उसके बाद जब स्टूडेंट्स होंगे बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप कर सकते हैं, चाहे वो फाउंडेशन रूट के स्टूडेंट्स हो या डायरेक्ट एंट्री रूट के स्टूडेंट्स, बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बट अभी करेंट कोर्स में जो डायरेक्ट एंट्री का स्टूडेंट है उनको 9 मंथ का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, इसके बाद ही एग्जाम में अपियर कर सकते हैं सीए इंटरमीडिएट के। और करेंट कोर्स में जो भी सीए फाउंडेशन रूट से पास आउट करके सीए इंटरमीडिएट में जाते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वो बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन करें या सिंगल ग्रुप, कोई भी एक सिंगल ग्रुप क्लियर करके आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बट न्यू कोर्स जब आएगा तब आपको बोथ ग्रुप क्लियर करके ही आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो। ये कुछ मेजर चेंजेस है जो कि मैंने इस वीडियो में बता दिया। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। कोई भी एडिशनल डाउट है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। अनअकैडमी की तरफ से सीए इंटरमीडिएट फेस टू फेस फ्री में मैराथन हो रहा है सीए इंटरमीडिएट में 23 स्टूडेंट्स के लिए। कहाँ हो रहा है? दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, नागपुर। इस शहर के स्टूडेंट यहाँ जाकर के फेस टू फेस मैराथन फ्री में अटेंड कर सकते हो। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन हो रहा है तो प्लीज आप लोग इसको मिस मत करना। लिमिटेड सीट है तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उस फॉर्म को फिल कर दीजिए और अटेंड जरूर कीजिएगा फेस टू फेस मैराथन को। सिर्फ और सिर्फ सीए इंटरमीडिएट में 23 स्टूडेंट्स के लिए हो रहा। और हाँ, जो लोग पटना से है तो मैं पटना सेंटर अनअकैडमी के सेंटर पे आ सकता हूँ, जहाँ पे आप लोग मुझसे मिल सकते हो और साथ में Q&A सेशन भी होगा। बट एक छोटा सा कंडीशन है, साथ में 200 के कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से हो जाएगा तब तक, इसके बाद ही मैं पटना सेंटर पे आऊंगा। और हाँ, जो लोग पटना से नहीं है तो प्लीज चैनल पे भी फेस रिवील होगा, सो डोंट वरी, सबसे पहले चैनल पे ही फेस रिवील होगा, यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद ही पटना सेंटर पे मैं जाऊंगा। जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। जल्द से जल्द 2 लाख फैमिली मेंबर कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उसको फिल जरूर कीजिएगा।